इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में और आपको हम दिखाएंगे कि लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। आपको दिखा दें हम कि यहां पर एक आइसोलेशन जो वार्ड है वो वार्ड बनाया गया है और यहां पर मरीजों के लिए प्रॉपर एक वार्ड तैयार किया गया है, जहां से आप ये देख सकते हैं यहां से एंट्री है और एंट्री में यहां पे एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जहां से जो मरीज़ हैं वो अपना फॉर्म फिल करके अंदर वार्ड में जाएंगे। ऑक्सीजन से लेकर आपको यहां पर ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है और मिनी जो वेंटिलेटर है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पर ये कहना है लोकबंधु अस्पताल के जो MS हैं उनका ये कहना है कि अस्पताल में मंकी पॉक्स को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको बता दूं कि WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर ना करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में इस बीमारी को लेकर तैयारियां डॉक्टर्स की तरफ से और अस्पतालों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल दिल्ली में एक केस आया है उत्तर प्रदेश में। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी इसको लेकर कोई भी केस नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर अस्पतालों की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। मंकी पॉक्स के लिए लोकबंधु राजनारायण में 10 बेड का वार्ड अलग से आइसोलेशन तैयार किया गया है, जिसमें मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज पूरे तरीके से किया जाएगा। हाँ, मंकी पॉक्स में सबसे पहले ना बुखार और शरीर पे रैशेस, थकान महसूस होना, ये सब जो लक्षण हैं वो मरीज बताएगा आके। और प्रिकॉशन अगर बात करें कि मरीज जो वो भी मरीज हैं वो कर सकते हैं कि बराबर साबुन से हाथ धोएं अपना, और जो मरीज़ कांटेक्ट में आए उनसे कांटेक्ट दूरी बना के रखें, और जो टॉवल्स वगैरह वो यूज़ करते हैं या कुछ है तो इसको दूर रखें, और अब प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी पिएं और दवा लें। जिस तरीके से आपने भी बताया कि वार्ड अलग से बनाया गया है, आइसोलेशन वार्ड है पूरा, तो क्या उसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा होगी? क्या मिनी वेंटिलेटर भी रखा गया है? और ये जो वार्ड होगा ये क्या उन्हीं मरीजों के लिए सिर्फ डेडिकेट कर दिया गया है और मरीजों को उसमें एंट्री नहीं होगी? हाँ, जो 10 बेड का आइसोलेशन बना है वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन लाइन भी है, और ज़रूरत पड़ने पे सिलेंडर्स भी ऑक्सीजन दिए गए हैं। और ये डेडिकेटेड केवल मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए है, तो वहाँ पे मंकी पॉक्स के मरीज ही रखे जाएंगे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर ना करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।